أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وكذلك وكم مطلب اور كذلك ज़ालिका तो वो होता है और काफ़ की तरह और इसी तरह जअलनाकुम जअला बनाया माजी है या जालू वह बनाता है या बनाएगा तजालू तुम बनाते हो या बनाओगे अजालू मैं बनाता हूँ या बनाऊँगा न जालू हम बनाते हैं या बनाएंगे और जअला उसने बनाया जअलतू मैंने बनाया जअलता तू एक मुज़क्कर ने बनाया जअलती तू एक मुअन्नस ने बनाया और जअलत उस एक मुन्नस से बनाया और जअलना हमने बनाया हुन्ना या जअलना उन औरतों ने बनाया जअलना कुम कुम कहते हैं तुम सबको हमने बनाया तुम सबको उम्मतन उम्मत बनाया कोई उम्मत बनाया हमने अलग अलग ग्रो नहीं बनाए फिरके नहीं बनाए व जअलना कुम उम्मतन हमने तो उम्मत बनाया वसतन जो उम्मत वस्त है जो इतदाल पर चलने वाली है और इसी तरह हमने तुम्हें एक उम्मत वस्त बनाया लितकुनु लाम के लिए ते तो मुजारे की अलामत के तौर पर आ गई और कौन का मतलब होना और वाव अलिफ जमा की अलामत मुजारे की अलामत भी है ता और मुखातब की अलामत भी है और शुरू में लाम जो है यकीनन के मान में के लिए के मान लितकुनु ताके तुम सब हो जाओ शोहदा शहीद की जमा है शोहदा गवाह तुम गवाही देने वाले बन जाओ अलन्नासी अला का मतलब पर अन्नास लोगों पर तुम लोगों के ऊपर एक गवाही देने वाले बन जाओ ये उम्मत वस्त है तुमसे पहली उम्मतें गुजर गईं ये जो अपने को यहूद और नसारा और पता नहीं क्या कुछ कहते थे मुस्लिम थे बदल के क्या से क्या कुछ हो गए अब तुम इन पर गवाह बन के आए हो अल्लाह की बात उन तक पहुंचाओ कि तुम फिरका नहीं हो उम्मत हो अल्लाह की बात लो अल्लाह की से उसके रसूल की बात लो दूसरों की बातों को मत मानो लितकुनु हाँ जिसके बारे में अल्लाह उसके रसूल खामोश है तो वहाँ पर खुद इजाज़त दिए इश्तहाद कर लो और वो इश्तहाद जो अल्लाह उसके रसूल से टकरा जाए वो इश्तहाद इश्तहाद नहीं होता इश्तहाद करने की फिर कुछ शरायत है वो उस पर पूरा उतरता हो लितकुनु ताकि तुम हो जाओ शोहदा गवाह अलन्नासी अला का मतलब पर अन्नास लोगों पर ये जो आज यहूदी नसरानी फलां फलां बने हुए उन लोगों पे तुम गवाह बन जाओ वो यकून वाओ का मतलब और ये फिर मुजार की अलामत कौन का मतलब होना अर रसूल ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर हैं शहीदा ये तुम पर गवाह हैं क़यामत के रोज़ ये गवाही होगी वो गवाही देंगे कि अल्लाह मैंने मुसलमानों को अपने उम्मतियों को तेरा पूरे का पूरा दीन बेका बेका पूरे का पूरा दीन देकर आया हूँ उसमें से कुछ नहीं छोड़ा सब कुछ देकर आया और मैंने इनसे गवाही भी ले ली थी हज्जतुल विदा के मौके पर क्या मैंने तुम तक सारा दिन पहुंचा दिया तो सब लोगों ने कह दिया था तो ये गवाही होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा दिन पहुंचा दिया है
और उसके बाद अब ये गवाही चूँकि ख़त्म नबीन के बाद ख़त्म नबूवत के बाद अब तो मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ हो गया कि वो बाकी लोगों पर जो आइंदा आने वाले भी लोग हैं जो मौजूदा लोग भी हैं उनके ऊपर गवाह बने कि अल्लाह ने ये कहन करने का हुक्म दिया है इन 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 चीज़ों से मना किया है ये सारी गवाही मोमिनों ने देनी है। इनसे पूछा जाएगा कि तुमने अमर बिलमारूफ और नहीं अनल मुनकर का काम जदून अल खैर के तहत किया था या नहीं किया था। व रसूल अलैकुम शहीदा ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह और रसूल तुम पर गवाह हो। वमा जा अलना वह का मतलब और मा नहीं जा आला बनाया ना हमने और नहीं बनाया हमने किबला था किबला बनाया नहीं हमने अल्लाती जो के कुनता था कानक मतलब होना कुन्तु मैं था कुन्ता तू था कुन्ती तू एक मुअन्नस थी कुन्तुम तुम सब मुजक्कर थे कुन्तुन्ना तुम सब मुअन्नस थी कुन्ता तुम थे अलैहा जिस पर थे इल्ला इल्ला स्वाइस के लिन्ना अलमा लाम के लिए आलिमा उसने जाना या आलमू वो जानता है या जानेगा तालमु तुम जानते हो या जानोगे आलमु मैं जानता हूँ या जानूँगा और न आलमु हम जानते हैं या जानेंगे इल्ला लिन आलमा ताकि हम ये जाने मन यत्तबियो मन कौन यत्तबियो कौन इत्तबा करता है या करेगा और रसूला रसूल की मिम मन और कौन है जो यनकलिबू मिन से मन जो कौन है जो उससे यनकलिबू इनकलबा यनकलिबू पलट जाना यनकलिबू वो पलट जाता है या पलटेगा एक हालत से दूसरी हालत में पलट जाना फिर जाना कौन फिर जाता है या जाएगा अला पर आके बई ही। असल में अला का मतलब होता पर आके बई असल में था आके बई नी फिर साथ ही था अकब कहते हैं आकेबा और आके बई ये एड़ियों को कहते हैं दोनों एड़ियों पर ये और नून था उसके बाद इसके नून के नीचे जेर होती है लेकिन उसके बाद तो हा लग गया ये ज़मीर है हमने पढ़ा था कि वाली वा नून या नून के बाद या जमा मुसन्ना के अलामत अलिफ अलिफ नून और या नून के बाद अगर कोई भी ज़मीर आ जाए हु हा हुमा हुम हुन्ना काकी कमा कुम कुन्ना या ना मुतकल्लम के लिए या मुतकल्लम मुफरत के लिए आ जाए तो इसका दूसरा जो हरफ होता है वा नून का नून या नून का नून वाव अलिफ का अलिफ ये हज़्फ हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर अकेबैनी का ही लगने की वजह से नून हज़्फ हो गया अपनी एड़ियों के बल अकेबैन दोनों एड़ियाँ पिछला पाँव का पिछला हिस्सा कौन मुड़ जाता है फिर जाता है वह इन कानत वाव का मतलब और इन अगर कानत थी ला कबीरा तुन लाम यकीनन कबीरा कहते हैं बड़ी कबीरा कहते हैं मुश्किल कबीरातन इल्ला स्वाय अल्लज़ीना अला पर अल्लज़ीना जो सब आस हदा अल्लाह जिन्हें अल्लाह ने हदायत दी हदा अल्लाह अल्लाह ने हदायत दी पहले जिस तरफ तुम रुख करते थे उसको तो हमने सिर्फ ये देखने के लिए किबला मुकर्रर किया था कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टा फिर जाता है व इन कानत कबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदाल्लाहु ये मामला था तो बड़ा सख्त ये था तो मुश्किल मगर उन लोगों के लिए कुछ भी सख्त साबित न हुआ जो अल्लाह की हदायत से फैज़याब थे जो अल्लाह से हदायत ले रहे थे मैंने अभी कहा ना कि लेनी अल्लाह से है और उनके रसूल से हदायत लेनी है अफराद से नहीं लेनी जो अल्लाह की हदायत से फैज़याब थे वमा कान अल्लाहु वा का मतलब और मा नहीं काना का मतलब होना अल्लाहु और नहीं है अल्लाह ली युदिया लाम के लिए दा युदियो ज़ाया करना ली युदिया के वो ज़ाया करता है या करेगा ऐमानकुम
तुम्हारे ईमान को। अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं करता। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला बिन नासी, बे पर अन्नास, लोगों पर है, ला रऊफ़ुन, यकीनन रऊफ़। राफा या राफू, फतहा यफ्तहू के बाप है। रऊफ़ कहते हैं जो बड़ा ही मेहरबान हो, बहुत नरमी करने वाला हो, बहुत शफकत करने वाला हो। और लाम ऊपर यकीनन के, ला रऊफ़ुन, वो यकीनन बहुत नरमी और शफकत करने वाले हैं। और रहीमुन फ़ईल उनके वज़न पर है, अज़ल से अबद के रहम फरमाने वाले हैं। पहले जिस तरफ तुम रुख करते थे उसको हमने सिर्फ ये देखने के लिए किबला मुकर्रर किया था कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टा फिर जाता है। ये मामला था तो बड़ा सख्त, मगर उन लोगों के लिए कुछ भी सख्त साबित ना हुआ जो अल्लाह की हदायत से फैज़याब थे। मुसलमान पहले तो उधर ही करके मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे ना, अब यहूद भी उधर पढ़ते थे, नसारा भी उधर ही मुंह करके बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। अब अल्लाह का हुक्म हुआ कि तुमने खाना काबा की तरफ नमाज पढ़ने, तो कौन अब रब की मानता है, ये सवाल है। अल्लाह तुम्हारे इस ईमान को हरगिज़ ज़ाया ना करेगा। वो तो समझते ना कि आपने एक काम, वो तो रस्मन कर रहे थे कि पहले ऐसा करते थे हम भी ऐसा करेंगे, तो क्या ईमान, अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं करेगा। इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ रहीम, यकीन जानो कि वो लोगों के हक़ में नहायत ही शफीक और रहीम। इन आयात को एक दफ़ा फिर तलावत खुद कीजिए, अरबी मुबीन पढ़ते हुए देखिए क्या बात पूरी अंदर उतर रही है, क्या ये उर्दू के सांचे में ढलती गई हैं इबारतें। अगर बात समझ आनी शुरू हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, यही हमारा हदफ है और यह हदफ पूरा हो गया। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर।